हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का USBRL प्रोजेक्ट की अपडेट में। गाइस, जम्मू कश्मीर के USBRL प्रोजेक्ट के अंदर कटड़ा रियासी सेक्शन के अंदर बन रही टनल T1 बनकर तैयार हो चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है नॉर्थन रेलवे की तरफ से। और फाइनली जो कंप्लीशन है ना, वो हो गया है T1 टनल का। और अब यहाँ पे कश्मीर के अंदर ट्रेन पहुँचने वाली है, बहुत जल्द उद्घाटन होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूं क्या कुछ चीजें आई हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए आए हैं, भारतीय रेलवे से जुड़े कंटेंट देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी इस अपडेट को। गाइस, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के अंदर कटड़ा से रियासी के बीच का हिस्सा है, जिसके अंदर टनल T1 पड़ती है। इस 17 किलोमीटर के हिस्से में 3.2 किलोमीटर का हिस्सा टनल T1 का आता है। और T1 टनल को फाइनली बनाकर तैयार कर लिया गया है, कंप्लीशन हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं, 29 अक्टूबर 2024 के दिन फाइनली, यानी दिवाली के इस बहुत ही अच्छे अवसर पे आप कह सकते हैं कि T1 टनल को बनाकर तैयार कर लिया गया है। और अब यहाँ पे बात चल रही है ट्रेनों को चलाने को लेकर। गाइज, मैं आपको बता दूं, इस टनल T1 के अंदर लगातार काम चल रहा था। और आपने सुना था लास्ट टाइम की लाइनिंग का काम, इन्वर्ट बनाने का काम बचा हुआ था, वो अब फाइनली पूरा हो चुका है और टनल T1 बनकर तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे अब एसोसिएट वर्क किए जाने हैं। देखिए, ट्रैक बिछाने का काम भी यहाँ पे किया जा रहा है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो इस टनल T1 का कंप्लीशन कुछ यूं हुआ है। और यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि एसोसिएट वर्क यानी मैकेनिकल टेक्निकल वर्क्स जो हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के, सिग्नलिंग सिस्टम के या फिर ट्रैक लेइंग के, वो अब यहाँ पे किए जाएंगे, क्योंकि टनल ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एंड टू एंड यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो ये चीजें निकल कर आई हैं, कंप्लीशन हो गया है T1 टनल का, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अब जो भी काम बचे हैं टनल T1 के अंदर, उनमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, बहुत जल्द आपकी ये टनल T1 तैयार हो जाएगी। और अगर मौजूदा समय की बात करूं तो कुछ फुटेजेस आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टनल T1 के अंदर कंक्रीटिंग का काम किया जा रहा है, ब्लास्ट लेस ट्रैक जो है उनको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो रिजिड ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम है उसको इंस्टॉल किया जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, वायरिंग वगैरह की जा रही है। और आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे और भी चीज़ें आपको नजर आ जाएंगी। तो ऐसे आप देखेंगे तो टनल T1 के अंदर अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम नहीं बचा है और बहुत बड़ी यहाँ पे अब आप कह सकते हैं कि चुनौती नहीं है। और दूसरी तरफ अंजीखड़ ब्रिज भी पड़ता है, जिसको तैयार कर लिया गया है। तो यहाँ पे अंजीखड़ ब्रिज के ऊपर भी चल रहे हैं इंस्पेक्शंस, तो उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल तो आप इतना जान लीजिए कि आपकी टनल T1 तैयार हो चुकी है और अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। जम्मू कश्मीर के अंदर ट्रेनें बहुत जल्द पहुंचेंगी, क्योंकि आगे के जो स्टेशन हैं, बक्कल रेलवे स्टेशन, दुग्गा रेलवे स्टेशन, सावलकोट रेलवे स्टेशन के बाद संगलदान रेलवे स्टेशन, तो वो तैयार है। संगलदान रियासी सेक्शन तैयार है 46 किलोमीटर का। और हो ना हो, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। खैर, ऐसा मुझे नहीं लगता होगा। बाकी आने वाली वीडियोज में बहुत सारी बातें होने वाली हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इस टनल T1 को कब तक तैयार कर लिया जाएगा, और ये कंप्लीशन देख के आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आप देख सकें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी और नई अपडेट के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए रखिएगा आप लोग अपना ख्याल। होप टू सी यू अगेन। बाय बाय गाइज़।